खुद को कभी बिखरने मत देना किसी भी हाल में, लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KBC ऑडिशन राउंड 1 का कॉल भी आना शुरू हो गया है और इसी को लेकर हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ऑडिशन राउंड में 1 में किस तरह का क्या प्रोसेस है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है और मेरे बताने और समझाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कुछ कमी की नज़र आती है, आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संगम जो तमिल कवियों का एक संघ है, इस संघ की तीसरी परिषद उत्तरी मदुरा में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए अगस्त ऋषि, बी तोलका पियर, सी नक्कीरर और डी कौंडिन्य। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी नक्कीरर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 13। भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन ए पी सदाशिवम, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी अल्तमस कबीर, ऑप्शन डी बी डी मिश्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पी सदाशिवम। अगला प्रश्न है, 2020 में आए अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। और थाई भाषा में अम्फान का मतलब होता है आकाश। और अभी जो तूफान आया था 2021 में, मई 2021 में, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था, जिसका नाम है ताउते। अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ICSE, ऑप्शन बी WBBSE, ऑप्शन सी DBSSE, ऑप्शन डी CBSE। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी CBSE। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए भारत बायोटेक और ICMR, ऑप्शन बी DRDO और ICMR, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, ऑप्शन डी DRDO और डॉक्टर रेड्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत बायोटेक और ICMR। भारत बायोटेक और ICMR ने दोनों मिलकर ही इस कोवैक्सीन को विकसित किया है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बड़े इनाम वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों को ठीक ध्यान से देख लीजिएगा। और प्रश्न और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।